देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं 4 मई यानी आज से लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इस लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से कई रियायतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रही हैं। हम आपको राज्यवार दिखाते हैं कि किस राज्य ने क्या रियायत दी है और क्या पाबंदियां लगाई हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। रियायत के तौर पर यहां पर सरकारी दफ्तर खुलेंगे जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100% लोग आएंगे। गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33% स्टाफ आएगा। निजी संस्थान में भी 33% स्टाफ आएगा। स्टेशनरी, सभी तरह के स्टैंड अलोन शॉप खुलेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी, उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी हार्डवेयर ई कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी। वहीं शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों के जुटने की इजाजत दी गई है। प्रतिबंध, स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा। सलून भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद होगा। पब्लिक ट्रेवल सिस्टम, मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा बंद रहेगी। 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी। उत्तर प्रदेश, सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। इनका संचालन 50% सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ 2 सवारियों को बैठाकर चल सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान और उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। एमएमआर और पीएमआर क्षेत्रों में दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की इजाजत होगी। मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल गैर जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुलेंगी। जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जो किसी भी मॉल और रेस्तरां का हिस्सा नहीं होंगी। सलोन पर पाबंदी लागू रहेगी। मध्य प्रदेश, सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवा, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सामुदायिक भवन और इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। केवल अत्यावश्यक कार्य के लिए ही या फिर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही वो घर से बाहर जा सकेंगे। इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बिहार, प्रदेश में केवल 2 जोन रेड और ऑरेंज होंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन्हीं दोनों जोन के आधार पर
17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में लोगों को छूट दी जाएगी। रेड जोन में आने वाले 5 जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात को देखते हुए किन किन चीजों में छूट दी जाएगी इसका फैसला करेंगे। वहीं भारत सरकार के मानदंडों के हिसाब से ऑरेंज जोन में आने वाले सभी जिलों में सोमवार से सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स, सलोन और स्पा खोलने की इजाजत दी गई है। इन जिलों में सभी प्रकार के उद्योगों को भी चलाने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर में रियायत। जम्मू कश्मीर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक इंडस्ट्री और दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। रेड जोन जिलों में जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स को होम डिलीवरी की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन जिलों में टैक्सी और कैब को एक ड्राइवर और 2 सवारी के साथ चलने की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस को काम करने की इजाजत होगी। साथ ही 50% यात्रियों के साथ बस सिर्फ जिले में ही चल सकेंगी। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर में मेडिकल सेवा, सुरक्षा आदि के अलावा यातायात पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल्स, जिम आदि बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, सैलून, स्पा बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का जमावड़ा लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक जगहें बंद रहेंगी। गैर जरूरी सामानों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच निकलने की इजाजत नहीं होगी। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सचिवालय में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को अनुमति होगी। सहायक सचिव के पद से ऊपर के सभी कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। सहायक सचिव के पद से नीचे के कर्मचारी प्रत्येक विभाग में 33% होंगे। इनमें मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, दिल और किडनी से जुड़े मरीजों को छूट होगी। गर्भवती महिलाओं को भी छूट होगी। वहीं आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही शराब की कीमतों में 25% का इजाफा भी किया गया है। ओडिशा। सभी जोन में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। सिनेमा, मॉल्स, जिम, बार, सेमिनार हॉल बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सोशल गैदरिंग नहीं होगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं 4 पहिया वाहनों में ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है। मॉल्स को छोड़कर दुकानों को खोलने की अनुमति है। 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट स्टाफ को खोलने की अनुमति है। गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि 17 मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के जरिए जारी की गई सभी गाइडलाइंस के मुताबिक गोवा में काम होगा। गैर जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। चंडीगढ़। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री करने वाली दुकानें एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होंगे। झारखंड। झारखंड में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन का 2 सप्ताह तक सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन में ढील के निर्देश झारखंड में लागू नहीं होंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।